एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हो और मस्त हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्किन केयर रूटीन, जहाँ पे मैंने विटामिन सी को एज अ की इंग्रेडिएंट ऐड किया है अपने स्किन केयर रूटीन में। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं अपने स्किन केयर में यूज करती हूँ वो है वाव स्किन साइंस का ये विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश एंड वाव स्किन साइंस का ये विटामिन सी फेस सीरम और ये फेस क्रीम जिसमें है विटामिन सी और ये भी है वाव स्किन साइंस से। सो इन तीनों प्रोडक्ट की डिटेल रिव्यू आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ विटामिन सी के क्या बेनिफिट्स है, क्या इम्पोर्टेंस है, हमें विटामिन सी को अपने स्किन केयर रूटीन में क्यों ऐड करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एवरीडे मॉर्निंग में मैं ट्राई करती हूँ कि एक ग्लास गुनगुना पानी में एक चम्मच शहद मिला के थोड़ा सा नींबू का रस डाल के एवरीडे नींबू पानी पीऊं और वीकली 3 to 4 times ऑरेंज जूस पीऊं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि नींबू एंड ऑरेंज में होता है विटामिन सी, जो कि हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नींबू पानी से हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट करती है एंड हमारी बॉडी में जितने भी अनवांटेड टॉक्सिन्स होते हैं उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। सो यस, विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए इंटरनली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपने कोविड के टाइम पर डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना होगा कि आपको विटामिन सी एवरी डे, मतलब डेली बेसिस में आपको इंटेक करना है। तो यस, विटामिन सी में काफी सारे फायदे हैं इंटरनली, और अगर हम बात करें स्किन की एक्सटर्नली भी, अगर आप विटामिन सी आपके स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज विटामिन सी हेल्प्स फॉर कोलेजन प्रोडक्शन। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो कि आपके फेस में, अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है या फिर अंडर आई बैग्स आने लगते हैं, विटामिन सी आपकी जो इस एजिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा डिले कर देता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसे भी फेड आउट करने में हेल्प करता है एंड आपके स्किन के टेक्सचर को और ज्यादा स्मूथ बनाता है, बहुत ही स्मूथ सा एक कॉम्प्लेक्शन देता है। विटामिन सी तो मैं इंटेक करती ही हूँ और साथ ही में विटामिन सी का एक स्किन केयर रूटीन भी मैं लास्ट 1 month से फॉलो कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्किन केयर रूटीन जिसमें विटामिन सी एज अ की इंग्रेडिएंट है। तो मेरे फर्स्ट स्टेप में मैं अपने फेस को डीपली क्लीन करती हूँ बाय यूजिंग द वाव स्किन साइंस विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। ये आता है बिल्ट इन ब्रश के साथ जिसमें लगे हुए है सिलिकन ब्रिसल्स जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो इससे मैं अपने स्किन को 2 times वॉश करती हूँ, एक बार मॉर्निंग एंड एक बार नाइट में, एंड इसमें बहुत ही अच्छे से झाग निकलती है जो इनाफ होती है मेरे पूरी स्किन को क्लीन करने के लिए। इस फेस वॉश में है एसेंशियल ऑयल और लेमन एंड ऑरेंज जिसमें हाई लेवल ऑफ विटामिन सी होता है जो कि इसकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को और निखारता है। साथ ही साथ चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे या ब्लेमिशेस होते हैं उसको ये लाइटन अप करता है। इसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट है जो मेरे स्किन को डीपली क्लेंस करता है। जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ मेरे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स पहले से बहुत कम बनने लगे हैं। ऑल्सो इस फेस वॉश में विटामिन B5 एंड विटामिन ई भी है जिससे मेरा स्किन आफ्टर यूज बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है एंड यूज करने के बाद मेरा स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होता है क्योंकि जितने भी डर्ट इम्प्यूरिटीज होती है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। स्टेप 2 में मैं यूज करती हूँ ये वाव स्किन साइंस का विटामिन सी फेस सीरम। इसके अंदर है 20% विटामिन सी कॉन्सेंट्रेट एंड स्पेशली मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी लगती है जो कि बहुत ही लाइट है एंड स्किन पे लगते ही ये बहुत ही अच्छे से स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाता है। स्किन को वॉश करने के बाद तुरंत ही मैं इसको यूज करती हूँ और इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी पड़ती है। इसको डॉट डॉट करते हुए मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं इसे यूजुअली नाइट में ही इस्तेमाल करती हूँ और जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ ये तुरंत ही मेरे स्किन में अच्छे से लग जाता है। तो जब हम इस तरह से सीरम को यूज करते हैं, इसमें स्पेशली विटामिन सी होता है तो हमारे स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है तो उसका ज्यादा हमें बेनिफिट्स मिलता है। तो विटामिन सी की वजह से इसमें जितने भी हमारे चेहरे पे दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, इनफैक्ट एंटी एजिंग की भी इसमें प्रॉपर्टीज रहती है। ऑल्सो इसके अंदर विच हेजल जो कि ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और हाइलुरोनिक एसिड की वजह से स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज होता है। इसको लगाते ही स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। सो टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी इवन मोर, यहाँ पे मैं यूज करती हूँ वाव स्किन साइंस का ये विटामिन सी फेस क्रीम। सो जब भी हम सीरम यूज करते हैं उसके तुरंत बाद ही हमें फेस क्रीम लगानी चाहिए ताकि सीरम के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमारे स्किन में अच्छे से सील एंड लॉक हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट है, मतलब बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। इसको लगाने के बाद तुरंत ही स्किन में लग जाता है। सो अगेन, इसमें भी विटामिन सी है जो कि डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, ब्लेमिशेस को लाइटन अप करता है, साथ ही साथ स्किन को ब्राइटन अप करता है। ऑल्सो इसके अंदर है शिया बटर, कोकोआ बटर, एलोवेरा, इस तरह के मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन को मॉइस्चर देते हैं
है और स्किन को सॉफ्ट एंड मुलायम बनाते हैं। तो ये है मेरा बहुत ही सिंपल 3-स्टेप स्किन केयर रूटीन, जिसमें विटामिन सी एज अ की इंग्रेडिएंट है। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं पहले के मुकाबले कितने लाइट हो गए हैं, और मेरा स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो मेरे स्किन का जो टेक्सचर है वो काफी इम्प्रूव हो गया है। All the product links are given in the description box below, so do check it out. I hope you guys like this video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And also press the bell icon so that you will be notified whenever I'm on YouTube. Thank you so much. Stay safe, stay healthy. Bye!